बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम पहले से ही सदस्य हैं, लेकिन पुनः साधारण सदस्य के रूप में जो पार्टी ने एक निश्चित सीमा तय की है इस समय तक, और उस कार्यक्रम को पुनः रिन्यूअल कराने की दिशा से हम फिर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ भारत और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो दो बातें बहुत साफ आ जाती हैं। भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर कैडर आधारित पार्टी है, और भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत की माटी से जुड़ करके, भारत के महापुरुषों से लेकर के भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, और इसलिए यह पार्टी न केवल वर्तमान में पूरे देश के अंदर अपना सर्वव्यापी स्वरूप बनाने में सफल हुई है बल्कि सर्वस्पर्शी भी बनी है, सर्वदेशिक भी बनी है, और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। हम सब कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पद को इसलिए सरकार से छोड़ा था क्योंकि देश की संप्रभुता पर तत्कालीन सरकार स्वयं खतरा बन रही थी, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि दल से बढ़कर के देश, या 1977 में जब लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी के रूप में देश के अंदर विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना था, तब हमारे नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र को सर्वोपरि मानते हुए उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर सेवाई संगठन है, इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने करके दिखाया है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ लोगों के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक होता है। आप जाइए देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, वास्तव में भारत की माटी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन जब हम लोग उस तक नहीं पहुंचते तो उसके मन में एक पीड़ा होती है, तब वह उन संकीर्णताओं के दायरे में आता है जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम उन संकीर्णताओं के आधार पर भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके भारत की एकता और अखंडता को ही चुनौती देने की मुद्रा में खड़े होते हैं। और उन स्थितियों में हम सबको चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, 18 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में, देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में सबसे अधिक
साधारण और सक्रिय सदस्य बनाने के इस टारगेट को भी आप सबको पूरा करना है। हम सब इस कार्यक्रम के साथ लगेंगे। इस विश्वास के साथ आज यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहां शुभारंभ किया है। हमारा गौरव होगा, हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। मेरी अपील होगी आप सबसे, हम जरूर जाएं, जो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको उनके साथ जाना है। लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहां विश्राम। जब तक झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, अगर हम उसके घर में जाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे और उसी मोबाइल फोन से उसको फिर से सदस्य बना करके उस सेल्फी को उसको वापस भेजेंगे, तो उसके मन में कितनी उसको अच्छा लगेगा। आपको इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जिन प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिन लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर चल रहा है, जिन लोगों को विद्युत का कनेक्शन मिल गया है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिन 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली और अभी 60,200 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है, अभी हम 40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं, और नौजवानों को तैयार करिए, अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं, 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं, लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब अगर उन तक पहुंचेंगे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावना हो, या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, अगर आप भी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को आसान कर लेंगे, तो उसको मन में उसके सम्मान का भाव है, लेकिन संकोच भी है, क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। हमें इस संकोच की दायरे को समाप्त करना है, हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना है, एक आत्मीयता देनी है, और सदस्यता अभियान आपके लिए एक सुअवसर होगा। आज के इस अवसर पर हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, पहले चरण में साधारण सदस्य और फिर दूसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाने के इस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया के अंदर बल्कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़े सदस्य अभियान के साथ अग्रणी भूमिका के साथ फिर से अपने आप को स्थापित करेगा। इस पूरे अभियान के प्रति अपनी बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं, और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप सब इस अभियान के तहत जिस भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे उसमें हम सब मिलकर के इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।